शुएब शाहीन सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शुएब साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। शुएब साहब क्या कहेंगे, एक अदालत की जानिब से तो रिलीफ मिल चुका है कि जी 22 फरवरी तक जो है वो कोई कार्रवाई नहीं होगी, 22 फरवरी को दोबारा समाअत होगी, लेकिन ATC ने जो है वो जमानत खारिज कर दी है, कानूनी नकात इस पर आगे क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस अदालत ने, जिस मेडिकल ग्राउंड को एक्सेप्ट किया है हाई कोर्ट ने, मेरा ख्याल है कि दूसरी अदालत ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वैसे मुनासिब नहीं था, उनको इंतजार करना चाहिए था, लेकिन अभी जो भी कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है तो वी ऑल ऑफ अस हैड टू वेट। और दूसरी बात है कि जो उनके को एक्यूज है उन सबकी जमानत हो गई, तो नेचुरली एक शख्स को अगर मेडिकल रीजन पे कोई प्रॉब्लम है तो मेरा ख्याल है उनका इंतजार करना चाहिए था उसको, और एक एग्जेम्पशन देनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट ने एक फैसला कर दिया है और हाई कोर्ट का फैसला बाकी अदालतों के ओवर एंड अबव होता है, तो मेरा ख्याल है कि जो भी फिर होगा अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही होगा, और उससे पहले कोई एडवर्स ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। और मेरा ख्याल है कि अदालतों को, जो नीचे वाली अदालतें हैं या पुलिस है, उनको इंतजार करना चाहिए सो दैट ही शुड अपीयर बिफोर द कोर्ट प्रॉपरली, और ताकि उनका केस मेरिट पे सुना जाए। ठीक, 22 फरवरी तक तो रोक दिया गया है, दूसरी जानिब दरख्वास्त जमानत खारिज की गई इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में, वहां पर क्या ऑप्शंस हैं अब इमरान खान साहब के पास? देखिए, इमरान खान साहब के पास एक तो ऑप्शन ये है कि बेल करा लें लाहौर हाईकोर्ट से, और उस बेल के बाद वो फिर दोबारा यहाँ अप्रोच करें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास, क्योंकि वो मेरिट पे डिसमिस नहीं हुई, तो इस वजह से वो दोबारा यहाँ वो अपना केस ला सकते हैं और यहाँ उनका केस मेरिट पे सुना जा सकता है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है जिसको बुनियाद बना करके इतना कोई सीरियस इशू हो कि जिस पे खान साहब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसा होगा। अब उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो वहाँ इस जो आज वाला आर्डर है इसको भी चैलेंज कर लें, आज वाला आर्डर है इसको भी चैलेंज कर लें, या वहाँ से लाहौर हाईकोर्ट से प्रोटेक्टेड बेल लेके फिर जब उनकी सेहत तबीयत ठीक हो तो वो यहाँ आ जाए। तो शेब साहब ये बताइएगा फिर कि जो आप फरमा रहे हैं अगर उसको देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने हलकों में किसी भी किस्म की जो है वो तश्वीशनाक सूरत हाल पैदा करने की जरूरत नहीं है? वजाहत तो ऐसे ही है, लेकिन अब देखें ना, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये केसेस हैं सारे, और जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट भी उनके कंट्रोल से बाहर है, उनके खिलाफ है और वही पीछे है इन सारी चीजों के, और इसी तरह जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैठी हुई है वो भी उनके मुखालिफ ग्रुप के लोग और पुलिस भी सारी वही बैठी हुई है जो 25 मई को भी उनके खिलाफ प्रोसीड कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि सिस्टम उनके खिलाफ है, लेकिन केस में किसी किस्म की कोई जान नहीं है और ना ही कोई ऐसा सीरियसनेस है। केस में इतनी कोई खास जान नहीं है। शुएब शाहीन सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट एडवोकेट शुएब साहब हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत शुक्रिया।